नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सलमान। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर करौली जिले के हिंडौन से है, जहां हिंडौन को जिला बनाने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर भाजपा उम्मीदवार वीर सिंह जाटव के नेतृत्व में दूसरे दिन भी धरना दिया जा रहा है। धरने के दौरान राज्य सरकार को सद्बुद्धि दिलाने के लिए हनुमान जयंती पर कर कल हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। उन्होंने कहा कि जिला बनने की हर शर्त पूरा करता है हिंडौन। धरने पर बैठे वीर सिंह जाटव, पप्पू गुर्जर, वनकी केशु गुर्जर, आराम सिंह सहित कई लोगों का कहना है कि हिंडौन बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में देश में अपनी एक विशेष पहचान बना चुका है। जिला नहीं बनने तक जारी रहेगा धरना। 10 अप्रैल को व्यापार महासंघ ने हिंडौन को बंद रखने का आह्वान किया है। वीर सिंह जाटव, पप्पू, नरेंद्र तोमर, जगदीश सहित कईयों ने बताया कि हिंडौन को जिला नहीं बनाए जाने तक धरना जारी रखने की बात कही। उनका कहना है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 19 नए जिलों की घोषणा की है, जिनमें कई नए जिले जनसंख्या क्षेत्रफल और औद्योगिक इकाइयों की तुलना में हिंडौन काफ़ी आगे है। इसके बावजूद हिंडौन के साथ भेदभाव किया गया, जिला नहीं बनाया गया। धरना में वीर सिंह जाटव, उनकी किसान मोर्चा महामंत्री पप्पू सिंह गुर्जर, कमल ठेकेदार मनीष शर्मा, नरेंद्र तोमर, परस राम सोलंकी, जगदीश मीणा, साहब सिंह भुकिया, दीन दलाई सारस्वत, आराम सिंह, मनोज तिवारी, दाऊद अली, तारा गुर्जर सहित कई लोग शामिल हुए। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।